अब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के तीन नियम है, जैसे मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम, कॉर्क पेच नियम, ठीक है। तो पेच नियम में क्या है, जैसे देखो कोई जो आपका पेच होता है, आप पेच को ऐसे इस तरीके से घुमाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप इस अंगूठे से इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो जिस दिशा में आप उस पेच को घुमा रहे हैं वो प्रदर्शित करता है चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा। जिस दिशा में आप पेच अंदर की तरफ जा रहा है उस दिशा में क्या है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। तो जो आपका जिस दिशा में आप अंगूठे को रोटेट कर रहे हैं ना, वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जिस दिशा में पेच आपका आगे बढ़ रहा है वो तो हो गई धारा की दिशा, तो जो मुड़ी हुई आपका अंगूठा है वो प्रदर्शित करता है चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है। ये ज्यादा इसको समझना ज्यादा सही नहीं है, वो वाला ज्यादा सही है। दूसरा है दाहिनी हथेली का नियम। आपको तो दिशा निकालनी है, आप कोई सा भी नियम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इससे ही करें। दाहिनी हथेली का नियम, तो जवाब बता रही हूँ, दाहिनी हथेली का नियम, ठीक है। इसमें देखो कोई धारावाही चालक तार को आप इस तरीके से पकड़िए, अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को, ये दाहिना आता है ना, हाँ इस तरीके से, जैसे कोई चालक तार है ये, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो अंगूठा प्रदर्शित कर रहा है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, और मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। किसी चालक तार को आप अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़िए, दिख रहा है क्या इनको, पानी, हाँ, चालक तार को जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है उसको दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा हुआ है कि अंगूठा प्रदर्शित करता है धारा की दिशा को, तो मुड़ी हुई उंगलियां प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। डायग्राम में मैं ऐसे बना सकती हूँ, जैसे ये है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो अंगूठा किस दिशा में हो गया, धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां किस दिशा में, इस तरीके से, ठीक है, वो प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, भी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब है वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, ठीक है। अभी तो आपने चालक तार में धारा इस तरीके से ली थी, अब धारा मान लीजिए वृत्त में प्रवाहित हो रही है, किसी वृत्त में प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है इस वृत्त में, ठीक है, ये हो गई धारा की दिशा। तो इसमें धारा की दिशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, इसके लिए क्या करेंगे, वही दाहिना हाथ लेंगे, मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित करेंगी, धारा की दिशा को, मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित कर रही है, धारा की दिशा को, इस तरीके से मैंने उंगलियों को रोटेट किया, तो जो अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आप मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, बी वेक्टर का दिशा ये होगा, ठीक है। और इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपने इस तरीके से ले ली, इसमें देखो ये कोई व्रत है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्या हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो चुंबकीय इस तरीके से है, ये ऐसे रिंग रखी हुई है यहाँ पर, ये वाला भाग पीछे का है और ये आगे का है रिंग का, तो इस तरीके से ये रखी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी इसके सेंटर से और इधर लंबवत, ठीक है।
तो इसमें आप थ्योरी में क्या लिखाऊं, इसमें तो ये लिख रही ना, दाहिनी हथेली के नियम के अनुसार यदि चालक तार में किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और इसमें लिखना वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, यदि किसी चालक तार वृत्तीय चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है या वृत्त में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दाहिने हाथ से मुड़ी हुई उंगलियां यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। लिख सकते हैं ना, ये तो नोट्स में ले लेना, नोट्स में से लिख लेना। पर ये तो तुम्हारे जो नोट्स हैं उनमें भी उसने ये दो आगे के पेज नहीं लिख रखे थे। बुक है, बुक में से लिख लेना, नहीं तो इस नियम के अनुसार यदि वृत्ताकार चालक कुंडली में प्रवाहित धारा आई प्रवाहित धारा की दिशा आई की दिशा दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में हो, मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में लें, तो अंगूठा उंगलियों की दिशा में हो इस तरीके से, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है। लिख लो ये चीज, क्योंकि आपके नोट्स में भी जो नोट्स कॉलेज में है उनमें ये दो पेज नहीं लिख रहे हैं। चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम मिटा दूँ ये। एम्पियर का परिपथीय नियम, पहले तो ये देख लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है। किसी बंद पथ के अनुदेश
इसी में लिखा दूंगी, चलो छोड़। किसी बंद पथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, अनदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन रेखा समाकलन या इसको बोलते हैं परिसंचरण, उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग कुल विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होती है। ये था आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, जैसे मान लीजिए बंद पथ है सी, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है बी डॉट डी एल। ठीक है, कोई बंद पथ है जैसे ये सी है बंद पथ, ठीक है, इसमें कोई ये डी एल जो है इसका अल्पांश है बंद पथ का, तो बी डॉट डी एल संपूर्ण रेखा समाकलन निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डॉट डी एल और उसका सी के अंदर रेखा समाकलन। बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा ऑफ आई और माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। और यदि ये अचुंबकीय माध्यम है तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट निर्वात में, निर्वात या अचुंबकीय माध्यम के लिए म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई। धाराओं जैसे इस बंद पथ में इस तरीके से कुछ धाराएं हैं आई वन, इसकी दिशा ये है, ठीक है, आई टू और आई वन एंड आई थ्री I3 एंड I4, ठीक है, तो इस दिशा में लेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 कुल योग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट, यदि कोई धारा नहीं गुजरती है, तो यदि यदि इस बंद पथ से कोई धारा नहीं गुजरती है, नेट धारा का मान शून्य है, तो आई इज इक्वल टू जीरो होगा, बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेक्स्ट है आपका एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अब तीन दिन यही चलेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग।
उसमें क्या दिक्कत है? मुझे एक तो क्लियर आवाज नहीं आ रही, अब मैं मास्क उतार के बोल लो। हाँ किसकी? क्लासेस मोसोटी में वो वाला, तो उसमें क्या दिक्कत है? इक्वल टू एन अल्फा बाई, हाँ इतना आ गया था। उसके बाद इसमें इस इक्वेशन में इससे पहले P इज इक्वल टू, हाँ ये रखा था, कॉपी में ही बताऊंगी तुम्हारे जो स्टेप चल रहे होंगे, है ना। पहले एक क्लास खत्म हो जाएगा। एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग, पहला है जिसमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लिख रहा है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण तो ये कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो अब देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए वही दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी इसमें हो जाएगी, ठीक है। अब निकालना है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर के पर्पतीय नियम से क्या होता है? एम्पियर के पर्पतीय नियम से बी डॉट डी एल कितना होता है? म्यू जीरो आई, ठीक है, म्यू जीरो आई होता है। और आई इसमें चालक तार में प्रवाहित धारा का मान है, तो हमें किसका मान निकालना है? एक तरीके से बी डॉट DL का मान निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है सेंटर O, इससे इसकी दूरी जो है पहली जो वृत्ति है जो आई है इसकी दूरी है त्रिज्या R है, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई DL, DL यही तो है, B डॉट DL निकालना है। इस पर B और DL यही तो है। मान लीजिए इसमें B वेक्टर की दिशा इस पॉइंट पे ये होगी, स्पर्श रेखा से ही तो निकालेंगे, इस पॉइंट पर ये होगी, इस पॉइंट पर ये होगी। तो बी और डी एल इस बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं? बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन बी डॉट DL। तो इसके जो सरफेस है उस पर B और DL क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे, यही DL है और यही B वेक्टर है। तो cos 0 होगा, cos कितना होगा? 0, cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहां से B डॉट DL कितना आएगा? B DL cos 0 का वैल्यू, बी क्यों लिखा हुआ है, इस तरीके से होगा। कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो बी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया यहाँ पर? परिमाण हो गया। तो बी को बाहर ले लिया। और डीएल, डीएल का समाकलन क्या होगा बताइए? इस पूरे वृत्त पर लिया है मैंने एक अल्पांश डीएल, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर इंटू बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से बी डॉट डी एल का मान जो आया ना 2 पाई आर बी, वो मान मैं यहाँ रख दूंगी, तो 2 पाई आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू जीरो आई, आई यहाँ चालक तार में प्रवाहित धारा का मान है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सीधे धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आएगा, म्यू जीरो आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा आई प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान क्या होता है, म्यू जीरो आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि बी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने ये बताया था कि चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इसमें धारा की दिशा में अंगूठा, तो वृत्तीय बलय किसमें होंगी, इस तरीके से होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जरूरी नहीं है बस एक ही गोले में होगा, थोड़ी दूर तक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र पर वो इस तरीके से होगा। अब आपको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। और ये सिंपल सी बात है कि जब जब धारा यहाँ पर ज्यादा है उस क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। वंस अगेन ही चल रहा है, कितनी बार बताऊं इस चीज। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और वृत्तीय बल किसको प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो स्टार्ट किया एम्पियर के परपतीय नियम से, बी डॉट डी एल कितना होता है, म्यू जीरो आई, ठीक है। उसके बाद में म्यू जीरो आई, तो क्या म्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, आई का वैल्यू हमें पता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, निकालना क्या है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। उसके लिए क्या किया, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड डी एल का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम, ठीक है, कॉस थीटा। अब इस वृत्तीय वलय पर पूरी पर डी एल और बी वेक्टर की दिशा क्या है, सेम है, थीटा कितना हो गया जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन, ठीक है, कॉस जीरो का वैल्यू वन, बी कॉन्स्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड बी को बाहर ले लिया। डी एल का समाकलन कितना होगा, डी एल का समाकलन कितना होगा, एक डी एल अल्पांश लिया है एक वृत्तीय वलय पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो आ गया बी डी एल का रेखा समाकलन, समीकरण एक में मान रख दिया 2 पाई आर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान त्रिज्या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे त्रिज्या आर का मान बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से मान घटता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, इसी के अनुप्रयोग चलेंगे। ये पहला था परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, टॉरॉइड में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सब कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बात ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ क्या, क्योंकि इसी टॉपिक चल रहा है, पढ़ाओ बाहर के लिए। Thank you.